स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदेद ये प्रोग्राम टीवी पर टी पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिरकत से पेश किया जा रहा है इसके लेसन पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक डॉट पीके पर के जी से बारहवीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब है आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट ट्रेंड्स इन सॉलिबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स ये फेडरल और केपी के चैप्टर थर्टीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का टॉपिक है जबकि पंजाब और बलूचिस्तान के चैप्टर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स का टॉपिक है ये वीडियो देखने के बाद ग्रुप टू एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी और इनके हाइड्रोक्साइड्स की सोलिबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी समझ आ जाने चाहिए आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक डॉट की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानत में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं यह सब कुछ सबक डॉट पीके की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब है स्टूडेंट्स हमने ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स देखा था हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड देखे थे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से के, के, ठीक है जिस तरह से यहाँ पराइन अर्थ मेटल्स हमने यहाँ पर उनकी लिस्ट भी लिखी थी फिर हम देखा था ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट ऑफ द टाइम शो करते हैं ठीक है और फिर इसके अलावा हमने ये देखा था कि इनकी अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जिस हमने मैग्नीशियम की देखी थी हमने कहा था सेकेंड भी देते हैं यानी कि यह सेकेंड सेकेंड वेलेंसी या हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन

का रिएक्शन करवाएं, तो हमें यहाँ पर हाई प्रेशर देना पड़ेगा ठीक है यहाँ हाई प्रेशर होगा हम यहाँ लिख देते हैं हाई प्रेशर और इसके एरो को भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं ठीक है ये हम इस पर लिखेंगे हाई प्रेशर और यहाँ पर साथ के साथ जो है वो हमें कैटलिस्ट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा ठीक है मैग्नीशियम आयोडाइड कैटलिस्ट होता है जो कि हमें यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसको कहते हैं एम जी आई टू इसके लिए केमिकल फॉर्मूला आ गया ठीक है यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बनेगा हमने कहा था हाइड्राइड बनेगा मैग्नीशियम का हाइड्राइड बनना चाहिए यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्राइड क्या होता है एम जी एच टू ठीक है ये हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्राइड इसी तरह अगर हम देखें तो कैल्शियम के लिए भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कैल्शियम का हाइड्राइड जो होगा कैल्शियम का रिएक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ और ये जो रिएक्शन होता है ये होता है 300 हंड्रेड टू फोर डिग्री सेल्सियस पे तो यहाँ पर हम टेम्परेचर लिखेंगे कि काफी टेम्परेचर होता है हमारे पास 300 हंड्रेड टू फोर डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यानी कि हीट करते हैं तो हमारे पास ये रिएक्शन होता है और हमारे पास बनता है कैल्शियम हाइड्राइड ठीक है कैल्शियम हाइड्राइड बन जाता है अच्छा कैल्शियम हाइड्राइड जो है वो इससे हम देखते हैं कि ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन भी होता है किस तरह से होता है कि ये कैल्शियम हाइड्राइड जब वाटर के साथ हम इसका रिएक्शन करवाते हैं इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे या इसका इंटरेक्शन होगा किसके साथ वाटर के साथ H2O के साथ तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज बन जाती है हमारे पास बन जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ठीक है सीए ओ एच होल्ड टू आइस और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है ठीक है तो इस तरह से हमारे पास क्या चीज ऑप्टेन हुई हमारे पास हाइड्रोजन गैस ऑप्टेन हुई इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं फोर हाइड्रोजन है लेकिन टू ऑक्सीजन भी है तो यहाँ पर हमें टू लगाना पड़ेगा जब हम यहाँ पर टू लगाएंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास अब हाइड्रोजन कितने हो गए ठीक है प्लस टू कितने सिक्स तो यहाँ पर हमारे पास है अगर हम यहाँ पर टू लगा दें तो ये भी टू इंटू टू फोर प्लस टू सिक्स तो ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी ठीक है इस तरह से हम देखा कि हाइड्रोजन कैसे ऑब्टेन होती है कैल्शियम के हाइड्राइड से नेक्स्ट हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे अच्छा इस प्रॉपर्टी को हम मार्क कर देते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी थी और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे किसकी यहाँ पर हम बात करेंगे कि इनके सल्फाइड्स की ठीक है जिस तरह से एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फाइड की तो मैग्नीशियम सल्फाइड किस तरह से बनता है कि मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाते हैं सल्फर के साथ ठीक है एलिमेंटल सल्फर के साथ जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम सल्फाइड एम जी मैग्नीशियम के लिए एस सल्फाइड के लिए ठीक है तो मैग्नीशियम सल्फाइड बन गया हमारे पास इसके अलावा हम देखते हैं कि जिस तरह से हमने अल्कली uh, मेटल्स में देखा था ना कि हमारे पास अः uh, के साथ रिएक्शन के साथ अल्कली मेटल हेलाइट बन रहे थे तो यहाँ पे अलकलाइन अर्थ मेटल हेलाइट बनते हैं ठीक है और किस तरह से बनते हैं जिस तरह कैल्शियम के साथ अगर हम रिएक्शन देखें कैल्शियम यहां पर हम उसका रिएक्शन देखें फर्स करिए हम क्लोरीन के साथ देख लेते हैं ठीक है क्लोरिन गैस के साथ ये कैल्शियम मेटल थी हमारे पास और यहाँ पे क्लोरीन गैस के साथ इसका रिएक्शन देखें तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी हमारे पास बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड ठीक है सी ए सी एल टू कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये हम देखते हैं कि किससे बन रहा है डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ है कैल्शियम का और क्लोरीन का चलिए यहाँ पर हम कैल्शियम के सी को भी इतना ही हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका सी थोड़ा सा बड़ा हो गया तो यहाँ पे इस तरह से हम लिख देते हैं ठीक है तो इस तरह से हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बना और इसी तरह बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का भी होता है कि अगर हम उसको एम से रिप्रेजेंट करें ठीक है और इसका रिएक्शन करवाएं कि हम किसी हेलोजन के साथ हेलोजन डायटोमिक फॉर्म में होते हैं एक्स टू की फॉर्म में एक्स हमने हेलोजन को ही सपोज कर लिया ठीक है इसको जनरली रिप्रेजेंट कर दिया हम एक्स जो है वो हेलोजन को जनरली रिप्रेजेंट करें और एम से हम अल्कलाइन अर्थ मेटल को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ हमारे पास क्या चीज बन जाती है हमारे पास यहाँ पे बन जाता है एम एक्स टू बन जाते हैं ठीक है ये जनरल है और इससे हम देखने एग्जाम्पल हमने कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन देख ली ठीक है इस तरह से फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वाटर के साथ रिएक्शन हो तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती हैं ठीक है वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे हम अब वाटर के साथ रिएक्शन देख रहे हैं इसमें भी हम पहले जनरल चले देख लेते हैं कि अगर हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है लेट सपोज इसको हमने जनरली रिप्रेजेंट कर दिया एम से और इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें ठीक है ये हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास यूजली ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है उस मेटल का ठीक है यहाँ पर जिस तरह से हम कह रहे जी हाइड्रो ऑक्साइड बन गया उस मेटल का ठीक है और देखिए ना अब यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए, इसलिए मेटल है इसलिए हम देखें एम इंटू ओ एच होल्ड वाइज है ठीक है प्लस यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन रिलीज होगी ठीक है तो मेन जो चीज यहाँ पर हमारे कंसर्न है वो ये कि हाइड्रोजन गैस जो है बेसिकली यहाँ पर रिलीज होती है ठीक है ना और यहाँ पर हमारे पास इस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है या इस मेटल का ऑक्साइड बनता है ये डिपेंड करता है जिस तरह से यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे करते हैं कि यहाँ पर अगर हम रिएक्शन देखें स्क्रॉल तो डाउन करेंगे पहले और इसके बाद यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके साथ देखेंगे यहाँ पर हम देख लेते हैं चले मैग्नीशियम आता है तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन देखेंगे अच्छा मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता ठीक है ये क्या करता है ये रिएक्ट करता है बॉइलिंग हॉट यानी कि हॉट वाटर के साथ यानी कि बॉइलिंग वाटर जो होता है ना जो वेरी हॉट वाटर होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा या फिर हम कहते हैं कि ये जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा ठीक है तो बेसिकली हम यहाँ पर इसका रिएक्शन देख लेते हैं किसके साथ स्टीम के साथ कि हमने देखा H2O क्या है इन द फॉर्म ऑफ गैश स्टेट ठीक है गैशिज फॉर्म में और यहाँ पे हम इसका रिएक्शन देखेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है यानी कि हमने कहा अल्किलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड बनता है ना या हाइड्रो बनता है तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्साइड बन रहा है और साथ में देखें हमने कहा मेन कंसर्न होता है हाइड्रोजन गैस बेसिकली रिलीज होती है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी इस इक्वेशन को देख लेते हैं तो ये हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस्ड uh, है लेकिन यहाँ पर इस तरह हमने कहा कि फॉर्म uh, में वाटर होगा ना यानी कि हमारे पास क्या है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम हम कह रहे हैं कि यहां पर पर हम हम ले रहे हैं तो हम यहां पर एक और चीज लिख देते हैं कि uh, यहाँ पे स्टीम किस की, की फॉर्म में कब आएगा जो एटलीस्ट यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक हो ठीक है इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कैल्शियम के साथ ठीक है हम कैल्शियम के साथ देख लेंगे कैल्शियम के साथ जब वाटर रिएक्ट करेगा वाटर का रिएक्शन होगा तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बन जाता है यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक है यहाँ पर बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हमारे पास वाटर सॉरी हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी इस तरह से ये रिएक्शन आ गया यहां पर इसको हम बैलेंस कर लेंगे बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं कि जी यहाँ पे हाइड्रोजन फोर है और ऑक्सीजन टू है तो ऑक्सीजन यहां वन है तो यहाँ टू लगाएंगे ठीक है और उसके बाद फिर हम यहाँ पर नहीं यहां पर हमें नहीं लगाना पड़ेगा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए ठीक है तो इस तरह से ये हम देख रहे हैं कि इधर इधर हमारे पास क्या बना एल्गलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रोक्साइड बना ठीक है और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हुई है ठीक है स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स की अल्कली मेटल्स की और अल्कलाइन अर्थ मेटल मेटल्स की इनके हाइड्रोक्साइड्स की बेसिकली हम प्रॉपर्टीज देखेंगे ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल इनके हाइड्रोक्साइड्स ले आते हैं और सबसे पहले तो हम यहाँ पर बेसिक बेसिकली यहाँ पर हम इनके एलिमेंट्स ले आए हैं इस तरह लिथियम सोडियम पोटेशियम रोबीडियम सीजियम ये क्या है अल्कली मेटल्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमारे पास हैं बेरीियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम ठीक है इनके हाइड्रोक्साइड्स लिख लेते हैं ठीक है यहां पर हम इनके हाइड्रोक्साइड्स लिखेंगे तो ये हमने इसके क्या किए इन सब के हाइड्रोक्साइड्स लिख दिए ठीक है रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स ठीक है ना अच्छा अब यहाँ पर हम ये देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करेंगे वो होगी सोलिबिलिटी की ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं इसको साइड पे कर देते हैं ठीक है यहाँ साइड पे ले आते हैं यहां पर ले आए और हम यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी हमने कहा सोलिबिलिटी की तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोलिबिलिटी सॉलिबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास जितने भी हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास अल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स है ना यानी कि ये वाले जो हमारे पास हैं ठीक है थीके? ये वाले जिनको हमने ब्रैकेट में कर दिया दो ब्रैकेट्स में ठीक है तो देखिए ये वाले जो हमारे पास आ जाते हैं अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स ये सारे क्या होते हैं क्रिस्टलाइन इन नेचर है क्रिस्टलाइन इन नेचर है यानी कि ये आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं ठीक है यानी कि हमारे पास किस तरह होगा सोडियम का आयन होगा और हाइड्रोक्साइड का आयन तो डेफिनेटली वाटर में ही जाएंगे तो क्या करेंगे हम देखते हैं कि अपने अपने आइन्स में चले जाएंगे टूट जाएंगे ठीक है यानी कि सॉलेबल हो जाएंगे जिस तरह से हमें ये पता है कि ये क्या है ये सोलेबल होते, होते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे सॉलेबल होते हैं ये वाटर में ठीक है तो हम देखते हैं कि जो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं ठीक है यहाँ पर हम लिखेंगे अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स क्या होते हैं हाइड्रो ऑक्साइड्स इनका हमने कहा कि ये जो है वो वाटर में सॉलेबल होते हैं ठीक है सॉलेबल इन वाटर इन एज टू वो लिख लेते चले हम वाटर के लिए ठीक है इस तरह से तो ये वाटर uh, में सॉलेबल होते हैं अच्छा यहां पर एक्सेप्शन होती है जो सबसे ऊपर वाला है लिथियम लिथियम बेसिकली इन सब में से सबसे छोटा एटम होता है ठीक है इन यानी कि अलगली मेटल्स में से अगर हम देखें तो uh, ये यहाँ पर इतने अच्छे क्रिस्टलाइन यहाँ हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता ठीक है तो इसका मतलब है कि ये जो है ना वो स्लाइटली सॉलेबल होता है सॉलेबल ये भी होता है लेकिन स्लाइटली या हम कहते हैं स्पेरिशली सॉलेबल होता है इन सब की तरह सोडियम से लेकर सीजियम तक ये जितने हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स है ये uh, हमारे पास बहुत अच्छे सोलब

स्पेरेंचली और स्लाइटली हमारे पास एक एक ही आ जाएगा कि दोनों का मतलब है कि थोड़ा सा ही इस वाले पर होते हैं ठीक है ना अच्छा यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमने कहा ना कि ये यानी कि एक्सेप्ट लिदियम हाइड्रोक्साइड लेकिन लिदियम हाइड्रोक्साइड के अलावा बाकी जो हमारे पास हल्के लिए मेटल हाइड्रोक्साइड है वो वेरी सॉलेबल है और इतने ज्यादा सॉलेबल है कि ये मॉइस्चर से भी आ, हम कहते हैं कि उसमें भी ये हल होना शुरू हो जाते हैं ठीक है तो हम कहते हैं कि ये क्या है ये हमारे पास हाइड्रो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं ठीक है इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या होते हैं हाइग्रोस्कोपिक यानी कि हवा से जो नमी होती है ना उसको भी ये क्या करते हैं एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं इतने ज्यादा सॉलेबल होते हैं ठीक है और हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास वाटर सोलबल बेसिस होती है या? यानी कि अल्कलीज हो जाती है क्यों क्योंकि सोलेबल है ना वाटर में इसलिए हम वाटर सोलबल बेसिस को क्या कहते हैं बेसिस तो ये है क्योंकि वाटर में क्या देंगी ये हाइड्रोक्साइड आइंस देंगी और क्योंकि ये फॉरन से लूज कर देते हैं ना क्योंकि आयनिक है आयनिक तो फॉरन से लूज करते हैं तो ये हम देखते हैं हाइड्रोक्साइड आइंस आते हैं वाटर में जितनी अच्छी कंसेंट्रेशन में आते हैं उसको कहते हैं उतनी स्ट्रॉग बेस है तो ये हमारे पास स्ट्रॉग बेसिस आते हैं स्पेशली हम देखते हैं कि हम जिस तरह हम आमतौर पर जो बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की ज्यादातर करते हैं ना इन दोनों की बात तो ये हमारे पास स्ट्रॉग बेसिस ठीक है और ये वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है अलकलीस आ जाती हैं ठीक है इसीलिए इनका नाम भी अलकली मेटल्स होता है फिर आ जाते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स पे इनकी अगर बात करें जिस तरह लिथियम का हमने देखा था ना कि यहाँ पर हम देखते हैं कि वाटर में ये में ये टूटना इतना पसंद नहीं करता ठीक है इसकी वजह से स्लाइटली सॉलेबल है तो अगर यहाँ पर हम देखें तो लिथियम्स के बाद बेरिलियम है बेरीलियम का हाइड्रोक्साइड डेफिनेटली लिथियम से छोटा साइज जो है वो साइजियम का होगा ठीक है और फिर बे, बेरिलियम से थोड़ा सा बड़ा जो है वो मैग्नीशियम का होगा तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के हम देख लेते हैं इनके साइज छोटे होते हैं जिसकी वजह से ये भी इतना पसंद नहीं करते कि ये हम देखें कि आयनिक कंपाउंड से वाटर में जाके टूट जाए तो ये भी स्लाइटली सोलेबल होते हैं ठीक है और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो लिथियम लिथियम से भी छोटा है हमने है हमने कहा स्लाइटली बेरिलियम उससे भी छोटा एटम आ गया इसका तो हम देखते हैं कि ये तो जो है हमारे पास ऑलमोस्ट इंसॉलेबल होता है ठीक है तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि कि पर हम लिखेंगे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ऑलमोस्ट इंसॉलेबल है ठीक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम देखेंगे कि ये जो है वो हमारे पास स्लाइटली सोलेबल है ठीक है जिस तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हम कहते हैं कि वो भी क्या है स्लाइटली सॉलेबल है ठीक है और उसके बाद हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉचियम हाइड्रोक्साइड बेरियम हाइड्रोक्साइड ये जो है वो हमारे पास अच्छे खासे सॉलेबल होते हैं स्पेशली अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये हमारे पास बहुत अच्छा सॉलेबल होता है ठीक है और इससे इस कम जो है वो स्ट्रॉचियम हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी होती है इससे कम जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉलेबिलिटी होती है तो अगर इसकी इनकी सॉलिबिलिटी की अगर हम यहाँ बात कर लें तो इस तरह से है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं चले तो ये ऐसा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने यहां लिखा इसको अगर हम वाटर में डिजोल्व करें तो अगर मेरे पास एक लेटर वाटर होना उसमें 1.5 ग्राम जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व हो जाएगा ठीक है सोलिडिटी की अगर हम बात करें तो वो क्या है 1.5 पर लीटर इन वाटर ठीक है अच्छा इतना ये ये हो जाता है आसानी से डिजोल्व हो जाएगा और क्या बनाएगा क्लियर बना लेगा यानी कि अगर प्योर देखें ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में डिजोल्व करके देखें तो वो क्लियर सोल्यूशन होता है ठीक है और इसको एक्चुअली कहते क्या है इसको हम कहते हैं लाइम वाटर ठीक है water, ये कहलाता है हमारे पास लाइम वाटर एल आई एम ई डब्ल्यू ए टी आर लाइम वाटर ठीक है अच्छा इससे ज्यादा अच्छा इतना तो हमने डिजोल्व कर लिया इससे ज्यादा अगर डिजोल्व करने की कोशिश करें तो वो रिजोल्व नहीं होता और वो सस्पेंशन की फॉर्म में होता है ठीक है और उसको हम कहते हैं वो हमारे पास कहलाता है मिल्क ऑफ लाइम ठीक है अच्छा मिल्क ऑफ लाइम तो एक फेमिलियर सा वर्ड लग रहा है ना मिल्क ऑफ लाइम तो इससे हमें याद आया जी एक और आ, हमारे पास मिल्क होता है ठीक है उसको सिर्फ जिस बाय नेम उसको मिल्क कहते हैं क्योंकि वो मिल्कि से सोल्यूशन यहाँ पर भी मिल्की से सोल्यूशन बन रहा है और वहां पर बाय नेम मिल्की सोल्यूशन कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो मैग्नीशियम हाइड्रो है ना मैग्नीशियम हाइड्रो हमने कहा स्लाइटली सोल्व है तो मैगनीशियम हाइड्रो ऑक्साइड जब डिजोल्व करते हैं तो थोड़ा सा डिजोल्व तो बहुत मामूली सा डिजोल्व होता है लाइक देखिये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अच्छा खास इसको हम कह रहे हैं कैल्शियम जो है वो सोलेबल है ठीक है टू सम एक्सटेंट सॉलेबल है लेकिन उससे भी कम अगर कोई सॉलेबल है ना 1.5 ग्राम जस्ट सॉलेबल है ना पूरे लीटर में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उससे भी कम सॉलेबल है ना तो हम कहते हैं कि ये जा, ज्यादातर किस फॉर्म में होता है ये सस्पेंशन की फॉर्म में और एक मिल्की सोलूशन बनाता है ठीक है और ये मिल्की सोल्यूशन जो होता है ये इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैगनीशिया ठीक है मिल्क ऑफ मैग्नीशा जो कि एज मेडिसिन भी यूज होता है अगर एसिडिटी हो जाए ठीक है स्टमक अपसेट हो जाए एसिडिटी हो जाए तो हम क्या देते हैं हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं ठीक है थीके? इस तरह से ये यह हमने यहाँ पर क्या देख लिया हाइड्रोक्साइड्स की सॉलिबिलिटी की बात कर ली है अब ऐसे करते हैं हम कि यहां पर हम इनकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे अब ठीक है एक और प्रॉपर्टी देखेंगे और उसको हम कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी तो यहां पर हम लेकर आएंगे थर्मल स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास काफी स्टेबल होते हैं अगर हम अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो वो काफी स्टेबल होते हैं टू वर्ड्स हीट ठीक है लेकिन लिथियम हाइड्रोक्साइड तरह हम हम इसकी आ, अगर हम इसकी अगर जब हमने हमने बिहेवियर्स देखे थे तो उसमें भी हमने देखा था लिथियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम रेड हॉट करें ठीक है लिथियम हाइड्रोक्साइड को हमने रेड हीट दिया रेड हॉट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया था वाटर रिमूव हो गया था ठीक है यहाँ पर चले हम पहले यही लिख देते हैं कि वाटर इसमें से रिमूव हो गया था और साथ में क्या बन गया था हमारे पास लिथियम का ऑक्साइड बन गया था लिथियम ऑक्साइड एलाइट बन गया ठीक है यहां से इसको बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को चले बैलेंस करना होगा हम यहां पर टू लगाएंगे ठीक है तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी सही है ना फिर उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इसी तरह हमारे पास आ जाता है अगर हम बात करें यहाँ पर तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी जो हमारे पास स्लाइटली सॉलेबल है कौन कौन सी है जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास स्लाइटली सॉलेबल है तो वो भी क्या करते हैं कि वो हमारे पास डिकम्पोज कर जाते हैं अगर उनको हीट किया जाए ठीक है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा इसको हमने क्या किया इसको हमने हीट किया हीट करने पे क्या बनेगा इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और हम साथ में क्या देखने की क्या चीज बननी चाहिए वाटर रिमूव हो जाना चाहिए ठीक है तो इस तरह से वाटर रिमूव हो गया और हमारे पास क्या चीज बन गया है ऑक्साइड बन गया ठीक है इस तरह से ये हमने देख लिया अच्छा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा थोड़ी ज्यादा जो है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की इस तरह हम ऊपर बात यहाँ पर हमने बात की थी इसकी सॉलिबिलिटी होती है ठीक है तो यहां हम देखते हैं कि के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी अपने ऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज कर सकता है ठीक है लेकिन उसके लिए और ज्यादा हमें हीट चाहिए होती है यानी कि टू वो समब हम कहते हैं कि वो स्टेबल है ठीक है तो इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे डिकम्पोज होगा एस सच इस तरह से डिकम्पोज नहीं हो जाएगा जिस तरह यहाँ पर ऐसा करते हैं चलें इसकी हम इक्वेशन भी लिख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक है हीटिंग जो है वो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हमने कहा था थोड़ी सी ज्यादा हीटिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी तो हम देखते हैं सेवन डिग्री सेल्सियस तक आ, भी हमें टेम्परेचर पहुंचाना पड़ता है कि हम इसको आ,